हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जोग्राफिकल है आज फिफ्टीन ऑफ फरवरी है और आज के दिन एक बहुत ही प्रोमिनेंट जोग्राफर का बर्थडे होता है मिस्टर या सर हेलफोर्ड जे मैकेंडर इनके बारे में हम लोग आज देखेंगे इनकी लाइफ इनके कॉन्ट्रीब्यूशन और साथ ही साथ इनके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है जो कि हार्ट थ्योरी है उसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे सो so, अगर इस पूरे लेक्चर का आपको पी चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिएगा जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है वहाँ से आपको सारे वीडियोस के पीडीएफ एक्सेस हो जाएंगे सो लेट्स स्टार्ट विद कंटेंट सो पहले हम लोग लाइफ के बारे में डिस्कस करते हैं मैकेंडर मैकेंडर जो थे ही वाज बोर्न एट गैन्स एक जगह है स्कॉटलैंड में है ही वॉज स्कॉटिश बा 1867 को इनका जन्म हुआ था ये एक डॉक्टर के बेटे थे इनके पिताजी का नाम ड्रेपर मैकिंडर था एंड हज मदर्स नेम वॉज फैनी एन वाज़ एल्डेस्ट अमंगेस सिक्स। वाज़ एल्डेस्ट अमंगज एल्डेस्ट सिक्स सिबलिंग्स अर्ली स्कूलिंग इनकी क्वीन एलिजाबेथ ग्रामर स्कूल गैंसबोरो में हुई जहाँ इनका बर्थ हुआ था फिर सारे में ये एप्सन कॉलेज गए जो कि एक बोर्डिंग स्कूल था एंड देन लास्टली 1874 से 1880 में ये क्राइस्ट चर्च ऑक्सफर्ड में इनकी पढ़ाई हुई नेक्स्ट 1880 से 1883 के बीच में इन्होंने एनिमल मॉर्फोलॉजी के बारे में पढ़ाई की ओके एंड रिसीव्स एंड ही रिसीव्ड अ फर्स्ट क्लास डिग्री इन नेचुरल साइंसेज तो पहला पॉइंट ही वॉज स्टूडेंट ऑफ नेचुरल साइंस सेकेंड इन फोर्थ ईयर रेड हिस्ट्री इन्होंने हिस्ट्री पढ़ी ही ऑल्सो ही वॉज अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री एंड गेंड अ सेकेंड क्लास डिग्री एंड वॉज इलेक्टेड टू अ रिसर्च स्कॉलरशिप इन जियोलॉजी सो आप देख रहे हैं इन्होंने वेराइटी ऑफ सब्जेक्ट्स को स्टडी किया एनिमल मोरफोलॉजी फिर हिस्ट्री दैन जियोलॉजी ओके इन एटीन एटी फाइव मै कंटर मूव टू लंडन स्टडीड लॉ एंड ही वॉज कॉल टू द बार फ्रॉम द मिडिल टेम्पल ओके जैसे बार काउंसिल होता है ल, इंडिया में भी वैसे ही उन्होंने एटीन एटी फाइव में लॉ पढ़ा एंड देन ही वॉज कॉल्ड टू लॉ बार ओके अब ये तो हो होगी इनकी लाइफ के बारे में इनके कॉन्ट्रीब्यूशन डिस्कस करते हैं तो मैकेटर वर्क एज अ वन ऑफ द ऑर्गेनाइजर ऑफ द ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन मूवमेंट बहुत ही प्रोमिनेंट मूवमेंट हुई थी एक लंडन में ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन मूवमेंट इस मूवमेंट का मेन एम था कि जो यूनिवर्सिटी टीचिंग है उसको यूनिवर्सिटी कैंपस के बाहर ले जाया जाए ओके okay. कैसे ले जाया जाए ट्रैवलिंग लेक्चर्स दे करके जैसे कि कोई स्कॉलर है वो अलग अलग जाकर के लेक्चर्स दे सो so, इस एक्सटेंशन प्रोग्राम में मैकेंडन छः सौ लेक्चर्स मोर देन सिक्स हंड्रेड लेक्चर्स दिए थे कौन क्या थीम थी इनके लेक्चर्स की द न्यू जोग्राफी ओके उसके बाद रॉयल जोग्राफिकल सोसाइटी जो कि लंडन में है उनके इन्विटेशन पे इन्होंने द स्कोप एंड मेथड ऑफ़ geography इस टॉपिक पे एक लेक्चर दिया जिसकी जिसको देने के बाद जो रॉयल जोग्राफिकल सोसाइटी है आर ये बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो गई ओके okay. उसके बाद आर ने मतलब रॉयल जोग्राफिकल सोसाइटी ने रिकमेंड किया कि ऑक्सफर्ड uh, यूनिवर्सिटी में इनको रीडर इन जोग्राफी की पोस्ट पर बनाया जाए सो एटीन एटी सेवन में वॉज अपॉइंटेड एज ए रीडर इन एट यूनिवर्सिटी उसके बाद आर को यूज करके आर की हेल्प ले करके मैकेंडर ने ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी ऑक्सफर्ड स्कूल ऑफ जोग्राफी का इस्टेब्लिशमेंट uh, किया 1899 में सो so, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि उन्होंने ऑक्सफर्ड uh, यूनिवर्सिटी में ऑक्सफर्ड स्कूल ऑफ ज्योग्राफी का इस्टेब्लिशमेंट किया था एंड ही वॉज अपॉइंटेड एज अ फर्स्ट प्रोफेसर ऑफ ज्योग्राफी इन द सेम इंस्टीट्यूट अब जब ऑक्सफर्ड थे ऑक्सफर्ड में थे तब इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ यूनिवर्सिटी कॉलेज रीडिंग जो कि आज यूनिवर्सिटी रीडिंग है वहाँ का प्रिंसिपल भी सर्व किया साथ ही साथ ये लंडन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पार्ट टाइम टीचिंग करते थे और 1903 में ये लंडन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के सेकेंड डायरेक्टर भी बने फाइनली 1908 में इन्होंने uh, uh, अपना जो डायरेक्टर का पोस्ट था इसको रिज़ाइन किया और अपना पॉलिटिकल करियर स्टार्ट किया उसके बाद 1910 से 1922 तक ओके इसमें ये एक पॉलिटिशियन थे इसमें इन्होंने एक्टिव पॉलिटिक्स से पार्टिसिपेट किया और मेम्बर ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट ये बने ऑल्सो ये वॉज अपॉइंटेड बाय द बाय देन फॉरेन सेक्रेटरी लॉर्ड कर्जन जो उस टाइम के फॉरेन सेक्रेटरी थे लॉर्ड कर्जन ये इन्होंने लॉर्ड कर्जन ने मैकेंडर को ब्रिटिश हाई कमिश्नर टू साउथ रशिया कितना अपॉइंट किया इस पोस्ट के लिए अपॉइंट किया 1919 और 1920 में और ये तो हो गया उनका पॉलिटिकल कैरियर और उनकी एकेडमिक uh, कैरियर के बारे में क्या कंट्रीब्यूट किया उन्होंने लेकिन मैकेंडर की लीडरशिप में ब्रिटेन में ग्रेट ब्रिटेन में जोग्राफी को जोग्राफी बढ़ने बढ़ने लगी जोग्राफी स्टार्टेड ग्रोइंग अंडर द लीडरशिप ऑफ मैकेंडर इन ग्रेट ब्रिटेन उन्होंने उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं क्या मैकेडर्स फर्स्ट मेजर वर्क वॉज ब्रिटेन एंड ब्रिटेन एंड ब्रिटिश सी सी एन का पहला वर्क था जो कि नाइनटीन नॉट टू में पब्लिश हुआ था देन मैकेडर वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड इन जोग्राफिकल स्टडीज एंड वॉज ट्रेंड नेचुरल साइंसिस एंड हिस्ट्री जो कि उन्होंने पहले डिस्कस किया वो ये मानते थे कि जोग्राफी है ये ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस के बीच में एक ब्रिज है इट इज़ ए कनेक्टिंग ब्रिज बिटवीन ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस और वो एक हिस्टोरियन थे सो so उन्होंने ये भी बोला कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी ये दोनों आपस में कनेक्टेड है एंड दे मस्ट नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बिकॉज एवरी फिनोमिना मस्ट अकर एट अ स्पेसिफिक टाइम एंड इन अ पर्टिकुलर प्लेस उसके बाद वो एक पॉलिटिकल जोग्राफर थे जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे ही लेड एम्फिस ऑन पॉलिटिकल जोग्रफी और ही हैज गिवेन इज व्यू ऑन जियो स्ट्रैटेजिक व्यूज इन फॉर्म ऑफ हार्टलैंड थ्योरी उन्होंने एक हार्ट लैंड थ्योरी दी है जो कि एक जियो स्ट्रेटेजिक व्यूज पर, पर बनी हुई है एंड इज आल्सो कंसीडर्ड अमंग द फाउंडिंग फादर्स ऑफ जियो पॉलिटिक्स एंड जियो स्ट्रेटजी ये माना जाता है कि इनसे पहले जो मेजर जोग्राफर थे जिन्होंने जियो स्ट्रेटजी पर व्यूज़ दिए थे वो थे एटी महान उसके बाद जो नया ट्रेंड मतलब मान सकते हैं नया पैराडाइम इन्होंने स्टार्ट किया था कि इसके बाद बहुत सारे जो स्कॉलर्स ने जियो स्ट्रैटेजिक व्यूज अपने दिए चाहे वो स्पाइकमैन हो चाहे वो हाउसर हों ओके सो इन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया जियो और जियो स्ट्रेटी को प्रोपोगेट करने में अब हम लोग देखेंगे जो उनकी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी थी हार्टलैंड थ्योरी उसके बारे में तो हार्टलैंड थ्योरी जो है वो उन्होंने पहली बार 1904 में प्रपोन्ट किया था और उन्होंने जो पेपर लिखा था बहुत इंपॉर्टेंट है नाम ये जोग्राफिकल पेविट ऑफ हिस्ट्री ओके उसके बाद इन्होंने अपनी थ्योरी को तीन बार मतलब दो बार फर्दर रिवाइज किया 1904 में इनकी जो थ्योरी थी उसका नाम था द प्राइवेट एरिया उसके बाद 1919 में द हार्ट लैंड एंड देन 1943 में द मिडलैंड सो so, ये तीन वर्जन थे इनकी थ्योरी के हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से टर्म्स यूज किए थे ने पहला वर्ल्ड आईलैंड वर्ल्ड आईलैंड में उन्होंने ये माना कि जितना भी पोर्शन यूरेशिया दिस इज यूरेशिया यूरोप प्लस एशिया अफ्रीका में इस टाइम इन्होंने सब सहारन एरिया माना था जो कि नॉर्थ ऑफ सहारा टोटल okay. so, एरिया किस में आता है इसको हम लोग क्या मान सकते हैं टोटल लैंड एरिया ऑफ द वर्ल्ड उसके बाद दार्टल और जो पहला वर्जन था इसमें इसने इन्होंने पिविट एरिया का नाम दिया एंड फर्दर इन्होंने नाइनटीन नाइनटीन में उसको हार्टलैंड बोला था वो ये क्या बोलते हैं हार्टलैंड क्या है हार्टलैंड इज अज इंटीरियर एरिया दैट इज सराउंडेड बाय सराउंडेड बाय माउंटेन्स एंड इट इज हाईली इनएक्सिबल ये पिविट एरिया है और वो ये बोलते हैं कि इट इज सराउंडेड बाय अ फोर्ट्रेस फोर्ट्रेस मतलब नेचुरल फोर्ट्रेस मतलब एक किले की तरह सराउंडेड है ठीक जैसे कि कैसे केले की तरह कैसे सराउंडेड है वो ये बोलते हैं कि इसके नॉर्थ में क्या है द आर्कटिक ओशन जिसको हम लोग जिसको हम लोग आसानी से एक्सेस नहीं कर सकते नॉर्थ ईस्ट में रग्ड माउंटेन है इस तरफ रग्ड माउंटेन्स हैं देन ईस्ट में और ईस्ट में अगर यहाँ पर देखें तो तीन शान रेंजेस हैं अल्टाई शान रेंजेस हैं यहाँ पर हिंदू कुश रेंजेस हैं देन इधर यूराल माउंटेन्स हैं सो इन पूरे एरिया के बीच का जो लैंड है इसको इन्होंने पेवेट एरिया बोला ठीक है जो कि बहुत ही ज्यादा इनएक्सेसिबल है ओके उसके बाद फर्दर इन्होंने पेवेट एरिया को हार्ट लैंड बोला कुछ मोडिफिकेशन करने के बाद नेक्स्ट इनर और मार्जिनल क्रेसेंट ये बोलते हैं इनर और मार्जिनल क्रेसेंट ये है जो पेवेट एरिया से लगा हुआ पार्ट है जो उसको टच कर रहा है ये थोड़ा इधर सॉरी यूरोप वाला पार्ट देन ये इंडिया वाला पार्ट ये साउथ ईस्ट एशिया वाला पार्ट उधर इज जापान और रशिया वाला पार्ट ये इसको इन्होंने इनर और मार्जिनल क्रेसेंट बोला उसके बाद इन्होंने आउटर और इंसुलर क्रेसेंट बोला आउटर क्रसेंट वो था जो कि एकदम बाहर था इस पूरे वर्ल्ड जो हमारा आइलैंड था वर्ल्ड आइलैंड था उसमें कौन कौन से लैंड इंक्लूड थे ये अमेरिकन अमेरिका नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका ऑस्ट्रेलिया ओके तो इसको इन्होंने क्या माना दैट आर द लैंड ऑफ आउटर क्रिसेंट क्या इंसुलर क्रिसेंट और लास्टली सेकेंडरी हार्टलैंड उन्होंने बोला किसको जो सब सहारन जैसे कि मैंने पल, मैंने बताया कि जो पेविट एरिया था उन्होंने सब सहारन लिया उसमें सारा डेजर्ट के ऊपर वाला एरिया ओके okay. लेकिन जब हार्टलैंड कॉन्सेप्ट दिया उन्होंने तब उसको उन्होंने मॉडिफाई करके पूरा अफ्रीका ले लिया था एज अ वर्ल्ड आइलैंड ओके तो हम लोग देखते हैं कि ये क्या थ्योरी बोलती क्या है कि व्हाट व्हाट डज द थ्योरी से ओके सो मैकेंडर ये मानते थे कि जो पेवेट एरिया है जो हमारा पेवेट एरिया है इट इज़ एन एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल रिच एरिया यहाँ पर बहुत ही रिसोर्स रिच रिसोर्स रिच रीजन है और जो इसको कमांड कर लेता है जिस जिसके हाथ में ये एरिया होता है दैट कंट्री हैज़ द कैपेबिलिटी टू रूल ओवर होल ग्लोब ओ होल वर्ल्ड ओके okay. सो so, उन्होंने ये बोला कि जिस भी कंट्री के पास इसका की होगा इसकी चाबी होगी इसको कन, इसका कमांड होगा वो पूरे उसके पास इतनी कैपेबिलिटी है कि वो पूरे वर्ल्ड को रूल कर सकता है और बिकॉज वो ब्रिटेन से थे तो उन्होंने अपनी पूरी थ्योरी ब्रिटिश पॉइंट ऑफ व्यू से दी थी ओके okay. साथ ही साथ इनकी थ्योरी डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच से बिलोंग करती थी अब ये ये, ये मैकेंडर जी ये बोलते हैं कि इस पिविट एरिया को जाने के लिए सबसे आ, सही तरीका है वो दैट इज ईस्ट यूरोप ईस्ट यूरोप जो है वो सबसे सही तरीका है यहाँ पर यहाँ से इस एरिया में घुसने के लिए ओके okay. जिसको इन्होंने ईस्ट कॉरिडोर बोला या ईस्ट यूरोप कॉरिडोर बोला जो कि कैस्पियन सी के पास है ओके okay. सो so, फिर वो ये बोलते हैं कि जो भी कंट्री इस पूरे एरिया के पास होगी जो इस एरिया को रूल करेगी वो कंट्री इस पेविट एरिया तक एक्सेस कर सकती है ओके okay. बिकॉज क्यों क्योंकि उन्होंने ये बोला कि जो इस एरिया का प्राइवेट एरिया का एक्सेस है वो कैसे कर सकते हैं ईस्ट कॉरिडोर के थ्रू तो ईस्ट कॉरिडोर कहाँ अप्लाई करता है ईस्ट यूरोप में सो so, बेसिकली उन्होंने फिर क्या बोला उनकी क्या फेमस लाइन है कि हु एवर रूल्स द ईस्ट यूरोप विल रूल द हार्ट लैंड ओके जो भी ईस्ट यूरोप को रूल करेगा वो पूरे हार्ट लैंड को रूल करेगा सेकेंड हु रूल्स द हार्ट लैंड विल रूल द वर्ल्ड आईलैंड कैसे देखते हैं उन्होंने कहा जो ईस्ट यूरोप को रूल करेगा वो ये हार्टलैंड को रूल करेगा देन जो इस हार्टलैंड को रूल करेगा वो पूरे वर्ल्ड आइलैंड को रूल करेगा कैसे रूल करेगा मैंने जैसे पहले बताया कि जो मार्जिनल क्रेसेंट है इनर क्रेसेंट है वो इस पेविड एरिया से लगा हुआ है मतलब जो यहाँ पर रूल कर रहा है जो जिसके पास इसका कमांड है वो रिवर्स के थ्रू यहाँ पर नेविगेट कर सकता है और जो इस रिवर के थ्रू ये आउटर क्रेसेंट सॉरी इनर क्रेशन को नेविगेट कर सकता है उसके लिए जब उसने पूरा जो हमारा वर्ल्ड आइलैंड है इस पर इस कब्जा कर लिया है इस पर कमांड कर लिया है तो ऑटोमेटिकली वो पूरे वर्ल्ड पर कब्जा या कमांड कर सकता है सो so बेसिकली वो यही बोलते हैं कि हु रूल्स द ईस्ट यूरोप विल रूल द हार्ट लैंड हु रूल्स द हार्ट लैंड द वर्ल्ड आईलैंड एंडलैंड विल रूल द वर्ल्ड ओके मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया अब मैकेंडर हालांकि ये चीज मुझे पहले बतानी चाहिए थी मैकेंडर की थ्योरी क्या रिगार्ड करती है कि जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है पूरे वर्ल्ड की दैट इज कंटिन्यूस स्ट्रगल बिटवीन लैंड पावर एंड सी पावर ठीक है कि किसके पास ज़्यादा लैंड पावर है इसके पास ज़्यादा सी पावर है और जो जिसके पास ज़्यादा लैंड पावर होगा वही जीतेगा एंड द अल्टीमेट विक्ट्री गोइंग टू द कॉन्टिनेंटल पावर तो ये चीज़ रिगार्ड की थी ने अपनी थ्योरी देने से पहले सो तो ये तो उनकी थी पेवेट एरिया की थ्योरी उसके बाद उन्होंने हार्टलैंड को मॉडिफाई किया 1990 में 1919 में जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो चुका था और जर्मनी की हार हुई तो उन्होंने ये देखा जब उन्होंने फिर से स्टडी किया तो उन्होंने ये बोला कि अगर जर्मनी या इधर वाली कंट्रीज जो भी हैं एक मिनट पेन बदल देता हूँ अगर ये जो कंट्रीज जो भी हैं वो अगर बाई चांस यहाँ से अलायंस बना लें इस वाले एरिया से ठीक है अगर इस पर पर्टिकुलर एरिया से अलायंस बना सकती हैं तो ये इस तरफ ज़्यादा मतलब आसानी से इसको एक्सेस कर सकती हैं सो so, उन्होंने क्या कहा कि इस पूरे एरिया को अगर बफर जोन बना देन दिस प्रॉब्लम विल बी सॉल्व तो उन्होंने क्या किया कि जो अपना प्रवेट एरिया था उसमें उन्होंने कुछ मोडिफिकेशन किए उसमें उन्होंने कुछ नए 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 एरियाज इंक्लूड किए जिसमें बाल्टिक सी लोअर डेन्यूब रिवर जो यहाँ पर है और बाल्टिक सी भी यहीं पर है उसके बाद ब्लैक सी एशिया माइनर ये जो आर्मेनिया वाला पोर्शन है दैन आर्मेनिया परशिया टिबिट इस सब रीजन को इन्होंने क्या किसमें इंक्लूड कर दिया हार्टलैंड वाले एरिया में ओके सो नाइनटीन नाइनटीन में इन्होंने अपने पिविट एरिया के कॉन्सेप्ट को अपग्रेड किया और उन्होंने उसको एक मॉडिफाइड कॉन्सेप्ट ऑफ हार्टलैंड की तरह दिया और उन्होंने ये सारा चीज अपनी एक बुक डेमोग्राफिक आइडियाज एंड रियलिटी इसमें पब्लिश की थी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है इसका नाम आप लोग याद रखिएगा देन मॉडिफाइड कॉन्सेप्ट ऑफ मिडलैंड मिडलैंड उसके बाद जब वर्ल्ड वॉर वन ख़त्म हो गया उसके बाद काफ़ी साल हो गए देन उन्होंने ये भी फिर नोटिस किया कि नहीं सिर्फ एक जियो स्ट्रेटिक जियो स्ट्रेटेजिक रीजन की से नहीं काम चलेगा उन्होंने कहा कि जैसे जो हमारा हार्टलैंड एरिया था उसके उसके अपोजिट एक काउंटर पार्ट भी हो सकता है ठीक है जैसा हार्टलैंड एरिया है जो तो सर्बिया वाला एरिया है तो सॉरी साइबेरिया वाला एरिया है उसकी काउंटर पार्ट भी एक एरिया हो सकता है और वो उसके काउंटर पार्ट में कौन सा एरिया हो सकता है द नॉर्थ एटलांटिक ओशन ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स एंड वेस्टर्न यूरोप ठीक है इट ये एक ऐसा जियो स्ट्रेटेजिक रीजन है दैट कैन बी एन इफेक्टिव काउंटर बैलेंस टू द इमर्जिंग पॉलिटिकल पोटेंशियल ऑफ यूरेशियन हार्टलैंड ओके तो वो क्या बोलते हैं कि ये वाला जो एरिया है जिसको मैं मैप पे आपको दिखाता हूँ अभी वो क्या बोलते हैं कि Uh, ये नॉर्थ अमेरिका ठीक है ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका एंड नार्दर्न एटलांटिक ओशन एंड दिस वेस्टर्न यूरोप ये एक ऐसा रीजन है दैट कैन प्रूव एन एफक्टिव काउंटर बैलेंस टू दिस एरिया ठीक है ये एक जियो स्ट्रेटिक रीजन वन है और इसको हम लोगों ने दूसरा जियो स्ट्रेटेजिक स्ट्रेटेजिक रीजन माना और ये वाला जो रीजन है इसके अंदर ये बहुत ये भी बहुत रिसोर्स रीजन है जिसको मैकेटर uh, ने अपने पहले के दो मॉडल्स में इग्नोर करा था ठीक उन्होंने देखा कि यह भी बहुत रिसोर्स रीजन है बहुत ही ह्यूमन रिसोर्स रिच रीजन है मिनरल एग्रीकल्चर सब रिसोर्स रिच रीजन है तो ये इस पर्टिकुलर जो हमारा पेवेट एरिया है इसको काउंटर बैलेंस कर सकता है सो so, उन्होंने ये कॉन्सेप्ट मिडलैंड का दिया और मिडलैंड में इन्होंने कौन कौन से एरियाज इंक्लूड किए ये वाले इस पूरे एरिया को उन्होंने मिडलैंड में लिया देन उन्होंने एक एक्सक्लूजन भी किया उन्होंने क्या किया इस मिडलैंड जो मिडलैंडर का कॉन्सेप्ट था उन्होंने इसमें ये जो ईस्टर्न साइबेरियन पोर्शन है ठीक है जो दैट इज इन द ईस्ट ऑफ येसाई रिवर यहाँ पर येनेसाई रिवर बहती है इसके ईस्ट में जितना भी लैंड है जहाँ पर फॉरेस्ट है और अजीब अजीब लैंड है रड टोपोग्राफी है उसको उन्होंने बोला कि ये हार्डलैंड में नहीं है बिकॉज इसका लिटिल इंपॉर्टेंस है इसमें कोई भी रिसोर्स नहीं है ठीक है तो इसको इन्होंने लीना लैंड बोला बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये वन वर्ड क्वेश्चन में आता है लीना लैंड बोला इसको और उन्होंने इसको एक्सक्लूड कर दिया इस पूरे हार्ट लैंड से सो so बेसिकली जो मैकेंडर थे उन्होंने सबसे पहले जो 1904 में थ्योरी दी उसमें उन्होंने एरिया कांसेप्ट दिया देन उन्होंने जो uh, 1919 में कॉन्सेप्ट दिया दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ हार्ट लैंड एंड देन उन्होंने फिर अपना 1943 में कॉन्प्ट मॉडिफाई किया द कॉन्प्ट ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ मिडलैंड सो ये उन्होंने क्यों ऐसा किया बिकॉज जैसे ऐसे एडवांसमेंट हुआ पॉलिटिकल एडवांसमेंट्स हुआ जियो स्ट्रेटेजिक एडवांसमेंट हुआ तो उन्होंने जब नीड देखी कि नहीं नहीं अब इसके अलावा भी कुछ रीजन हो सकते हैं जो कि जियो स्ट्रेटजिकली इंपॉर्टेंट हो सकते हैं सो so, उसको उन्होंने इंक्लूड किया ठीक है जैसे उन्होंने देखा हर मॉडर्न में उन्होंने नए नए एडिशन्स किए थे हम लोग इसे क्रिटिसिज्म देख लेते हैं ही ही सिंप्लीफाइड हिस्ट्री अच्छा इन्होंने जो इनका जो थ्योरी था थ्योरी थी वो डिटर्मिनेस्टिक uh, फैशन में थी ठीक है और वो ये बोलते हैं कि जितना भी प्रॉब्लम है वो सिर्फ लैंड और सी के स्ट्रगल में हो रहा है जैसे मैंने इनके बेसिक प्रेमिस बताया था कि लैंड और सी स्ट्रगल से ही पूरा जो स्ट्रेटेजी बन रही है लेकिन जो जितना भी ये भी रिजन है ये सिर्फ लैंड और सी और फिजिकल फैक्टर्स से थोड़ा इफ़ेक्ट होता है वहाँ पर सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स भी होता है कल्चरल फैक्टर्स भी होते हैं उसके बाद इन्होंने मैकेंडर ने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को एकदम इग्नोर किया इन्होंने ट्रांसपोर्ट तब इन्होंने ये कहा कि उसको एक्सेस ही नहीं कर सकते लेकिन अब रेलवेज एयरवेज की वजह से सारे पार्ट एक्सेसिबल हैं वर्ल्ड के तो उन्होंने मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन को इग्नोर किया उसके बाद जितना भी हार्टलैंड का ज़्यादातर पार्ट है वेस्ट लैंड है वहाँ पर ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं रह सकती जैसा कि आप जानते हैं साइबेरिया में ज़्यादातर बर्फ जमी रहती है तो वहाँ पर लोग नहीं रह सकते उसके बाद उन्होंने क्लाइमेटिक फैक्टर्स को भी एक्सक्लूड किया इग्नोर किया जो कि बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक था इनकी थ्योरी का नेक्स्ट जैसे कि उन्होंने ये बताया कि जो ईस्ट यूरोप है दैट इज़ द गेट वे फॉर द मिड लैंड सॉरी द हार्ट लैंड तब लेकिन अब जो हार्टलैंड है उसको एक्सेस अमेरिका भी कर सकता है वो बेरिंग्स वैसे मैं आपको मैप पे दिखाता हूं जैसे कि ये अमेरिका है ठीक अलास्का वाला पोर्शन यूएसए में ही आता है तो ये इस एरिया को एक्सेस कर सकता है थ्रू बेरिंग सी इनके पास मिसाइल्स है मिलिट्री एडवांसमेंट्स हैं उनको यूज करके ये इसको इस एरिया को एक्सेस एक्सेस कर सकता है ओके मॉडर्न एडवांसमेंट मिलिट्री मिसाइल्स एक्सक्लूड किया और बार बार इन्होंने अपनी थ्योरी को मॉडिफाई किया जिससे थोड़ा सा ये अजीब हो जाता है कि बार बार आप अपनी थ्योरी को आप अपने खुद के विचारों पर स्टिक नहीं हो ओके सो ये कुछ क्रिटिसजम्स हैं इनके बाकी इनकी जो जी स्ट्रेटी की थ्योरी है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मानी जाती है और बहुत ही स्पेशल प्लेस होल्ड करती है हमारी जोग्राफिकल हिस्ट्री में और इनके व्यूज़ इनकी कॉन्ट्रीब्यूशन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे जोग्राफी सब्जेक्ट में और इनका बर्थडे आज ह्यूज uh, ट्रिब्यूट टू हेम इन दिस इन द फॉर्म ऑफ दिस शॉर्ट वीडियो एंड अगर आपको इस वीडियो का पी डी एफ चाहिए तो प्लीज़ आप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा वीडियो पसंद है तो लाइक करिएगा शेयर करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा बेलाइकन कोबारा बार भूलिएगा थैंक यू फॉर वॉचिंग जय हिंद